आज अपन स्टार्ट करेंगे डिसीजन मेकिंग, जो आपका चैप्टर टू है। डिसीजन मेकिंग में अपने क्या करना है? डिसीजन मेकिंग क्या है कि अपन अपनी जब प्रोडक्शन करते हैं, जब फैक्ट्री चलाते हैं, जब कोई भी वर्किंग कर रहे हैं, उसमें अपने को कुछ अनसर्टन डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे कि आप एक रूटीन लाइफ में अपना काम कर रहे हो, एक पर्टिकुलर ऑर्डर नया आपके पास आ गया, आप उसको बनाओगे या नहीं बनाओगे, वो देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि आप कितनी कॉस्ट इनकर्ड कर रहे हो, वो बनाने का आपको बेनिफिट है या नहीं है। डेफिनेटली वो ऑर्डर कम वैल्यू पे होगा, फिर ही क्वेश्चन आता है। सपोज करो आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हो, वो आप 5,000 का सेल कर रहे हो और आपके पास वो ऑर्डर और आ जाता है 5,000 का, तो उसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। आपके पास एक पर्टिकुलर ऑर्डर आ जाता है, वो कम वैल्यू पे होता है, वही ऑर्डर आपको 4,000 पे आ जाता है, तो आपने डिसीजन लेना होता है कि मैं इसको बनाऊं या ना बनाऊं। या एक आप प्रोडक्ट नया लॉन्च कर रहे हो, उसको बंद कर दूं, या आपने कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो इस स्टेज पे आ गया कि आप डाउटफुल हो गए, यार इसको कैरी करने का खर्चा इतना आएगा, इससे मेरे को रेवेन्यू होएगा या नहीं होएगा, तो इस प्रोजेक्ट का डिस्पोज ऑफ करने का बेनिफिट है या इसको कैरी ऑन करने का बेनिफिट है। तो उसमें आपको ये देखना पड़ता है कि कॉस्ट जो मैंने इनकर्ड कर दी, उसकी क्या रेलिवेंस है। उस डिसीजन मेकिंग के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि मेरी कोर्स जो हो चुकी है उसकी क्या रेलेवेंस है। तो यहां पे अपन सारे चैप्टर में ये देखेंगे कि जो अपने एक्सपेंसेस हुए हैं वो मेरे डिसीजन के लिए रेलेवेंट है या नहीं रेलेवेंट, उसको ध्यान में रखते हुए आप वो डिसीजन लेते हैं। छोटी सी एग्जांपल लो, आप अपनी रूटीन लाइफ में क्या करते हैं, सपोज हमने कहीं बाहर जाना है तो आपने 2 मंथ एडवांस की टिकट बुक करवा दी ट्रेन में, 2,000 की टिकट है, 2 मंथ के बाद की आपने आज ही पेमेंट कर दी विदाउट एनी, उसकी कोई कैंसिलेशन करते हैं तो कुछ रिफंड नहीं है। एट द लास्ट मोमेंट 2 डे बिफोर अपने को क्या पता चला कि अपने जो टिकट बुक करवाई है वो गलत बुक हो गई है, उसमें नाम में प्रॉब्लम है या वट एवर कुछ रीजन है, आप उस पर ट्रेवल नहीं कर सकते। तो उसको टिकट को फर्स्ट आपकी टिकट जो बुक करवाई है आपने 2,000 में करवाई, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट तो ये कि इस टिकट को आप अमेंडमेंट करवा लो, उसके अपने को 1,200 रुपया पड़ेगा, तो टोटल टिकट पड़ेगी 3,200 की। सेकंड ऑप्शन ये है कि आपको अब न्यू टिकट मिल रही है 1,400 की, ये टोटल टिकट पड़ेगी 1,400 की। या आपको अब फ्लाइट्स की सेल है तो आपको फ्लाइट की टिकट भी मिल रही है, ये मिल रही है 1,800 की। अब आप इस पोजीशन में हो तो आप कौन सी ऑप्शन चूज करोगे, 1, 2 या 3? पहली टिकट 3,200 की पड़ रही है, ये 1,400 की पड़ रही है, ये 1,800 की पड़ रही है, 1 चूज करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो ये 2,000 है इसकी यहां पे कोई रेलेवेंस नहीं है। बस इस सारे चैप्टर में अपन यही करना है कि जो मेरा एक्सपेंसिव हो गया उसकी रेलेवेंस है या नहीं है। तो इसमें कुछ जो कॉस्ट है, सबसे पहले तो है, ये तो आपको मालूम है, आप थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जो फिक्स्ड रहती है, उसका प्रोडक्शन आउटपुट से कोई कंसर्न नहीं होता, एक पर्टिकुलर लेवल तक आप प्रोडक्शन कम करो या ज्यादा करो उसने फिक्स रहना है। इंटरमीडिएट के हैं पर आप सिर्फ थोड़ा सा इसको एग्जाम के लिए रिमाइंड करें। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो आपकी प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, आप एक यूनिट बना रहे हो, अगर वो 10 है, अगर 2 बनाएंगे तो वी आए, 20 आएगी, वही वेरिएबल कॉस्ट है जो आपकी
प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर आप 100 यूनिट बना रहे हो, 10 है तो वो 1000 आएगी, अगर 1000 बनाएंगे तो वो 10000 आएगी, जो आपकी प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। अगर आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगी, अगर कम होती है तो कम होएगी, और फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है। सेमी फिक्स्ड कॉस्ट या सेमी वेरिएबल क्या हो जाती है? इसमें कुछ पोर्शन फिक्स होता है और कुछ वेरिएबल होता है, एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक ये फिक्स रहती है, देयर आफ्टर उसके रेट कम ज्यादा भी हो सकते हैं, कई पोर्शंस में आ जाता है। तो उसको अपन अपने डिसीजन मेकिंग के लिए बाइफरकेट कर लेते हैं कि तुम्हें कितना पोर्शन फिक्स है और कितना पोर्शन वेरिएबल। अब अपन डिसीजन मेकिंग के लिए एक चीज चेक करते हैं। सपोज करो कि अपन एक प्रोडक्शन हाउस बनाया, एक फैक्ट्री लगाई है, या कोई भी अपने एक काम स्टार्ट किया, उस पे एक अपने शोरूम किराए पे लिया है 1,00,000 रुपए का, तो 1,00,000 अपनी क्या है? फिक्स कॉस्ट है अपने को, वो रेंट पे मिल गया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ इंक्लूडेड करके आप अपना आउटपुट करो ना करो, दे आर नॉट कंसर्न, अपने को 1,00,000 रुपए का उसका मंथली रेंट है। अब अपने क्या करना है? अब अपने उस पर कुछ वर्क शुरू किया, सपोज करो कोई प्रोडक्ट असेंबली का काम किया, उसकी एक प्रोडक्ट को असेंबली करने के लिए हमारा 1,000 रुपया एक्सपेंसिस आ रहा है। सपोज करो अपने एक लेबर रखी है, पहले तो अपनी एक फिक्स्ड कॉस्ट आ गई, अपना रेंट है 1,00,000 रुपीज, फिर आपने वहां पे एक्सपर्ट रखे हैं जो उस चीज को प्रोडक्ट को सपोज मोबाइल को सैंपल करेंगे, वो आपने रख लिए कि वो आपसे पर मोबाइल का 2,000 रुपए लेंगे। अगर आप उसको मोबाइल देते हो तो 2,000 लेंगे, नहीं तो वो अपना काम करेंगे, वो आपके पास बैठे हैं, अदरवाइज आपने उनको कोई पेमेंट नहीं करनी। तो आपका ये प्रोडक्ट का 2,000 क्या आ गया? वेरिएबल कॉस्ट आ गया, कि मैंने अगर इससे मोबाइल सैंपल करवाना है तो इसको 2,000 देने हैं, अगर नहीं सैंपल करवाना तो उसको कुछ नहीं करना। तो आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया? 2,000 पर यूनिट। अब आपने ये डिसाइड करना है कि मैंने मोबाइल जो सैंपल कर रहा हूं उसके कितने पैसे चार्ज करूं। तो जैसे आपने बजटेड और स्टैंडर्ड में किया था, सबसे पहले तो अपना एक स्टैंडर्ड बनाएंगे कि यार मेरा ये टारगेट है, या सर्वे के हिसाब से या डिमांड के हिसाब से, मेरी मैन पावर के हिसाब से मैं 100 मोबाइल तो मंथली बना ही दूंगा। तो आप सबसे पहले कॉस्ट निकालेंगे, बजटेड प्लान किया आपने कि आप 100 मोबाइल असेंबल कर दोगे, तो आप फिक्स्ड कॉस्ट को उसको एलोकेट करोगे कि मेरी 1,00,000 फिक्स्ड कॉस्ट है, तो वो भी तो अपने उसी से कवर करनी है ना, तो इसमें फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ जाएगी? फिक्स्ड कॉस्ट की एलोकेशन की अपने 1,00,000 डिवाइडेड बाय 100,000 रुपीज पर यूनिट, अपनी फिक्स्ड कॉस्ट 1,000 आ गया। वेरिएबल कॉस्ट 2,000, आपका टोटल कॉस्ट 3,000 हो गया। अब आपने ये सोचा है चलो मैं 500 रुपये अपना असेंबली का अपना प्रॉफिट ऐड करता हूं, प्रॉफिट अपन ने इसमें 500 ऐड किया, तो अपना प्राइस निकल के क्या आया? 3,500। ये अपना सर्विस चार्जेस आ गया। हमने ये डिसाइड कर लिया कि आप अगर कोई असेंबली मोबाइल करवाने आता है तो आप उससे 3,500 रुपए चार्ज करेंगे। अब आप मंथ के एक पर्टिकुलर पीरियड पे बैठे हो, यहां पे आप 200 मोबाइल असेंबल कर चुके हो ऑलरेडी, 20 दिन अभी हुए। अब आपके पास एक नया ऑर्डर आता है 10 मोबाइल असेंबल करवाने का, वो आपको रेट कोड करता है कि मैं आपको 2,100 रुपए ही दूंगा, आप बताओ कि मेरे मोबाइल सैंपल करोगे या नहीं करोगे। अब इस पोजीशन में आप अपनी सारी फिक्स्ड कॉस्ट कवर करके बैठे हो, आप 200 मोबाइल सेल करके बैठे हो, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट सारी कवर है। अब आपका वेरिएबल कॉस्ट है 2,000
और आपको सर्विस चार्जेस मिल रहे हैं 2100 रुपया, क्या आप वो ऑर्डर एक्सेप्ट करोगे या नहीं? मैं वो तो आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ कि आप अपने इस पोजीशन पे बैठे हो कि आपने 20 दिन हो गया, 200 माइल सैंपल कर दिए, आपने प्रॉफिट जितना लेना था ले लिया, अब आपके पास एक ऑर्डर आ गया, आप एक ओनर हो, आपके पास एक ऑर्डर आ गया, वो आपसे पूछता है कि भी मैं तो 10 मोबाइल सैंपल करवाने हैं, कोई स्पेसिफिक कहीं से आ गया, मैं आपको 2100 रुपया पर मोबाइल दूंगा, व्हाट डिसीजन यू विल टेक? क्या आप वो ऑर्डर लोगे या नहीं लोगे? स्पेयर कैपेसिटी है फिर भी आपको कुछ ना कुछ वो देखे जा रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी इसमें कवर नहीं हो रही है, बट आप ऑलरेडी फिक्स्ड कॉस्ट कवर करके बैठे हो, तो आप ये ऑर्डर एक्सेप्ट करोगे? क्यों? फिर भी अपने को 100 रुपया पर मोबाइल बची रहा है ना, उसको आप क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। अपने को 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो हम ये ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे। अब एक और सिचुएशन ले लो, आपके 25 दिन निकल चुके हैं, अभी तक आपने 50 मोबाइल ही सैंपल किए हैं, इट मींस आपकी फिक्स्ड कॉस्ट अभी रिकवर नहीं हुई है, फिर आपके पास वही ऑर्डर आ जाता है 2100 रुपए का। अब आपकी कॉस्ट है 2500, क्या इस पोजीशन में आप ऑर्डर सेट करोगे? बट रिकवर तो नहीं हुई, बताओ आपके सबके क्या कह रहे हैं? आपका राय है ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेंगे, आपकी क्या राय है? हाँ, हम ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट अगर मैं ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो क्या वो कम हो जाएगी? एट प्रेजेंट सिचुएशन में आपको कितना लॉस हो रहा है? 50 मोबाइल बना रहे हो, अगर आप 60 मोबाइल बनाते हो तो लॉस कम होगा या ज्यादा होगा? आपका लॉस कम होगा। ये जो मैंने 500 1000 फिक्स्ड कॉस्ट दी है, ये तो मैंने एलोकेट की है, इसको मैं रिकवर करना चाहता हूं, बट जब डिसीजनिंग की बात आती है तो ये इग्नोर होती है। क्यों? ये रेलेवेंट नहीं है। आप प्रेजेंट पोजीशन में देखो कि आप लास्ट 30 डे में बैठे हो, आपने 50 मोबाइल सेल कर दिए, अभी आपको लॉस हो रहा है, अभी आपको कितना लॉस हो रहा है? आपकी फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो पा रही है और 50 पे आपने वो कर ली है, 50 मोबाइल पे आपको 500 × 50, ये तो 25,000 रुपये आपने प्रॉफिट कर लिया, बट आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रिकवर होनी पेंडिंग है अभी? 50,000। तो 25,000 के लॉस पे बैठे हो। अब आपके पास 50 मोबाइल का ऑर्डर आ गया, वो कहता है मैं तो 2200 रुपये ही दूंगा, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही, तो आपको क्या कंसर्न है? आप उसको करोगे? उसको तो आपने 2000 रुपये ही देना, फिर भी आपका 50 मोबाइल × 200 रुपया आपका 10,000 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। एट द एंड आप जो लॉस 25,000 था वो 15,000 रह जाएगा। इसलिए आपने ये देखना है अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए कि कौन सी कॉस्ट रेलेवेंस है, कौन सी रेलेवेंट नहीं है। जो बुक कॉस्ट हो चुकी, जो आपने पैसे खर्च कर दिए, जो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो रेलेवेंट है या नहीं? ये मैं नहीं कहता कि डिसीजन मेकिंग में फिक्स्ड कॉस्ट रेलेवेंस नहीं है, एवरी कॉस्ट एंड एवरी सिचुएशन पे ये डिपेंड करता है कि जो पर्टिकुलर एक्सपेंसिस है क्या आपके डिसीजन के लिए रेलेवेंट है या नहीं है, वो आपने ओपन माइंड से देखना है कि मैं अब क्या डिसीजन लूं कि मेरा प्रॉफिट कैसे कम हो सकता है, प्रॉफिट सॉरी कैसे बढ़ सकता है। अब अपन ने सारे चैप्टर में यही करना है कि अपन ने कॉस्ट की रेलेवेंस चेक करनी है कि मेरी डिसीजन मेकिंग के लिए इसकी क्या रेलेवेंस है। जैसे अपन ने टिकट का एग्जांपल लिया, जो 2000 पहले अपन ने कॉस्ट करती वो संक कॉस्ट थी, वो तो अनपेड हो चुकी, अब आप प्रेजेंट पोजीशन में खड़े हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आप आज देखोगे यार मेरे को नया पैसा कितना लग रहा है, मैंने ट्रेवल तो करना है, 2000 लग गया वो तो खत्म,
ऐसे ही फिक्स्ड कोर्स तो आपकी हो चुकी, आपकी रिकवर नहीं हुई ये अलग बात है, बट एक जो नया आपके पास ऑफर आ रहा है वो तो आपको उसमें से कुछ ना कुछ रिकवरी दे ही रहा है ना। फिर नहीं लेंगे, फिर तो अपने को लॉस होना है। अपने वेरिएबल कोस्ट तो हर हाल में रिकवर करनी ही है, वो तो अपने को जैसे ही अपन ऑर्डर लेंगे तो अपने को 100 रुपए का और नुकसान है, वो नहीं लेंगे। वेरिएबल कोस्ट तो हर हाल में कवर करनी ही है, अपने को कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। अगर अपने को कंट्रीब्यूशन मिल रहा है पर यूनिट तो आप वो ऑर्डर हमेशा एक्सेप्ट करते हैं, तो आप फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं देखते। इसलिए आप मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग में जो अपनी कॉस्ट शीट बनाते हैं उसको प्रेजेंटेशन ऐसे ही करते हैं, सेल वैल्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ रहा है ना तो आप कंट्रीब्यूशन देख के चलते हैं। देयर आफ्टर कोई भी ऑर्डर आएगा तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे अगर आपने को वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो चाहे फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो चाहे ना हो उससे उसका कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि आप प्रेजेंट सिचुएशन में आप बैठे हैं तो ये क्लियर हो रहा है कि वो तो आनी ही है। कुछ कॉस्ट पहले आप स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉस्ट हैं जो इसमें आपने काफी दे रखी है, मैं आपको बताता हूं। एक होती है रेलेवेंट एंड इरेलेवेंट कॉस्ट। ये देखो नाम से ही क्लियर है, अभी अपना सारे चैप्टर में जब बात करेंगे तो इसलिए थोड़े से अपने को नाम क्लियर होने जरूरी है। रेलेवेंट कॉस्ट का क्या मतलब है? रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब ये है कि अपनी डिसीजन मेकिंग में ये कॉस्ट रेलेवेंट है। इरेलेवेंट कॉस्ट कौन सी हुई कि अपनी डिसीजन मेकिंग में ये कॉस्ट इरेलेवेंट है। प्रेजेंट लास्ट आप एग्जांपल की बात करेंगे तो जो आप 2000 वेरिएबल एक्सपेंसेस दे रहे थे वो रेलेवेंट कॉस्ट है। जब आप कोई डिसीजन लेना है तो आप वो वेरिएबल कॉस्ट को देखोगे कि यार मेरे को 2000 रुपए इसको देना पड़ेगा, 2000 से ऊपर आ जाए तो मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा, फिक्स्ड कॉस्ट को मैं नॉट कंसर्न्ड। मैंने 1 लाख रुपया दे दिया वो तो देना ही देना है, पर यूनिट क्या पड़ रहा है उससे भी कोई कंसर्न नहीं है। तो उस डिसीजन मेकिंग के लिए आपकी रेलेवेंट कॉस्ट कौन सी हुई? 2000। और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कौन सी हुई? इरेलेवेंट। रेलेवेंट कॉस्ट वो है जो आपके डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट है, इरेलेवेंट जो आपके डिसीजन मेकिंग के लिए इरेलेवेंट नहीं है। तो थ्योरेटिकल इसमें इन्होंने आगे एक्सप्लेन किया हो, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। रेलेवेंट कॉस्ट है फ्यूचर कॉस्ट डिफरेंट फॉर एवरी अल्टरनेट एक्शन। मतलब जैसे ही आप रेलेवेंट कॉस्ट डेफिनेटली फ्यूचर में इनकर्ड होने वाली होती है, क्यों? वेरिएबल कॉस्ट देखो रेलेवेंट है, ये फ्यूचर में इनकर्ड होनी है ना। आप काम करोगे तो ये इनकर्ड होएगी, अगर नहीं करोगे तो नहीं होएगी। ये फ्यूचर की कॉस्ट है और आपके डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करती है। अगर आप यस करोगे डिसीजन लेने का तो इनकर्ड होएगी, अगर नो करेगा तो नहीं होएगी। और अल्टरनेट केस में ये अलग अलग भी हो सकती है। नॉन रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? अनफेक्टेड बाय डिसीजन मेकिंग, जो आपके डिसीजन मेकिंग से अफेक्ट नहीं होती। सपोज फिक्स्ड कॉस्ट थी, आप बनाओ या ना बनाओ वो तो उतनी ही रहनी है, उसने उस पर अफेक्ट नहीं डाल सकती, तो वो कौन सी कॉस्ट होगी? इरेलेवेंट कॉस्ट होगी। कमिंग एग्जांपल्स में सिचुएशन में ये भी होगा कि फिक्स्ड कॉस्ट भी रेलेवेंट होगी। अपन ने ये सिनेरियो नहीं बनाना कि फिक्स्ड कॉस्ट इरेलेवेंट को है और वेरिएबल रेलेवेंट है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। कई बार वेरिएबल कॉस्ट भी रेलेवेंट हो जाती है। आपकी लेबर है, आपने हायर कर रखी है, 500 रुपया लेबर देना है, वो कहते हैं काम करवाओ या ना करवाओ मैंने तो 500 रुपया लेने ही लेना है, दैट इज इरेलेवेंट। तो आपके पास कोई काम करवाना है, वो कहते मैं तो 100 रुपए ही दूंगा, आप कहेंगे यार 100 रुपए ही आने दो, इसको तो 500 देना ही है, 400 का तो लॉस होएगा, 100 तो बचेगा। तो एट प्रेजेंट कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट भी इरेलेवेंट होगी। सो ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा कि वो कॉस्ट रेलेवेंट है या इरेलेवेंट। बट अपने दिमाग में क्या रखना है, अगर अपने डिसीजन मेकिंग से वो इफेक्ट हो रही है इट मींस वो रेलेवेंट है, अगर डिसीजन मेकिंग से इफेक्ट नहीं हो रही तो वो इरेलेवेंट है। ज्यादा इसके एग्जांपल नॉन रेलेवेंट के फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, बट ये सिचुएशन रहता है वेरिएबल कॉस्ट। फिर एक सब्जेक्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड संक कॉस्ट।
हिस्टोरिकल कॉस्ट और संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होती है? जो आपने पास्ट में इनकर्ड कर चुके हो और वो डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट नहीं है, ज्यादातर ये फिक्स कॉस्ट होगी। या आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसके लिए आपने रिसर्च की, 50,000 रुपया लगा दिया रिसर्च पे। अभी आप आज ये सोच रहे हो यार मेरे को ये बेनिफिट होगा प्रोडक्ट लॉन्च करने का या नहीं, तो जो 50,000 रुपया लगा के बैठे हो वो संक कॉस्ट है, वो डिसीजन के लिए रेलेवेंट नहीं रखती। आप ये नहीं सोचोगे कि यार उसमें 50,000 तो लगा दिया मैं क्या करूं, नहीं तो वो 50,000 वेस्ट हो जाएगा। वो तो वेस्ट होना ही है। आपने ये देखो कि मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए रिसर्च कर लिया, 50,000 इनकट कर दिया, उसके बाद आपको ये सोचा कि इसका सेल प्राइस तो 100 रुपया है और वेरिएबल कॉस्ट 110 आ रही है, अगर मैं इसको लॉन्च करूंगा तो मेरे को हर प्रोडक्ट पे 10 रुपया नुकसान होगा, तो मेरे को 50,000 रुपया आज लग गया तो मैं क्या करूं, वो डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट नहीं है। क्यों? वो संक हो चुका, वो तो इनकर्ड हो चुका, उसका आपके डिसीजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, आप अगर बनाओ या ना बनाओ वो तो 50,000 लग गया, दैट इज संक कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। एक होती है आपकी बुक वैल्यू, बुक वैल्यू क्या होती है कि आपकी परचेज कॉस्ट क्या है पर्टिकुलर चीज की, यह भी डिसीजन मेकिंग के लिए इरेलेवेंट है। आपने एक मटेरियल परचेज किया हुआ है 100 रुपए के हिसाब से, अब वो मटेरियल किसी पर्टिकुलर यूज चीज में यूज हो रहा है या नहीं यूज होना, तो वो 100 रुपया उसके लिए वैल्यू नहीं रखता। वैल्यू क्या रखता है कि भाई मेरे इस मटेरियल का यूज क्या है आगे। आप एक प्रोडक्ट ए बना रहे हो, उसके लिए आपने मटेरियल एक्स परचेज करके रखा हुआ, आपको 100 रुपए के हिसाब से किया हुआ, आपके पास ऑप्शन आप प्रेजेंट ये हो गया कि वो एक्स है जो मटेरियल ऑप्शनलेट होगा, वो बेकार हो गया, अब ए के लिए वो एक्स मटेरियल लगना बंद हो गया। अब आपके पास एक नया ऑफर आया कि प्रोडक्ट बी बनाओ, तो उसमें वो प्रोडक्ट लग सकता है, वो प्रोडक्ट उसमें यूज हो सकता है, या तो आप वो यूज कर लो या आपको मार्केट से नया मिल जाएगा 20 रुपए का। अब ए एक्स जो आपने परचेज किया हुआ है 100 रुपए का परचेज किया हुआ है, अब आप या तो वो 100 रुपए का मटेरियल लगा दो उस पे या 20 रुपए का नया लगा दो, तो आप कौन सा लगाओगे? 100 रुपए वाला लगाएंगे, क्योंकि वो बेकार हो चुका। बुक वैल्यू की वहां पे कोई कंसर्न नहीं होता, बुक वैल्यू अपने डिसीजन मेकिंग के लिए वैल्यू नहीं रखती। वैल्यू क्या रखती है? प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, भी मेरा वो मटेरियल मेरे को क्या वैल्यू दे रहा है। अच्छा, फिर कुछ एग्जांपल ये थे कि एक जैसे सपोज करो आपकी कोई स्क्रैप वैल्यू है किसी भी मशीन की या प्रोडक्ट की, ये डिसीजन मेकिंग में रेलेवेंस होती है। स्क्रैप वैल्यू क्या हुआ कि आपने मशीनरी को आज अगर डिस्पोज ऑफ करते हैं तो अपने को इतना वैल्यू मिलता है, तो आपकी डिसीजन के लिए ये रेलेवेंट रहती है। क्यों? आपको कुछ ना कुछ उससे मिल रहा है, या उसको अगर आप यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होएगी या ज्यादा होएगी, तो डिसीजन में आ जाएगी। एक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि अगर आप एक डिसीजन लेते हो उसकी वजह से आप पुराना कुछ चीज आपको छोड़नी पड़ती है, तो वो उस चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। आपके पास एक लेबर है, वो आपका आपा मोबाइल की एग्जांपल है, एक आपका ने टेक्नीशियन रखा हुआ है, वो दिन में एक मोबाइल सैंपल कर देता है, तो उसके पास अपने पास एक मोबाइल सैंपल आ रहा है, तो आप उससे अगर 2500 रुपया मोबाइल असेंबली का चार्ज कर रहे हो तो 200 रुपया आप 2000 उसको पे कर रहे हैं, तो वो अपने को 500 रुपया अर्न करके दे रहा है। ठीक है, अपने को 2500 का ऑर्डर आता है और आप 2000 रुपया आपने उसको देना है,
तो वो एट द एंड ऑफ डे में एक मोबाइल सैंपल कर देगा तो अपने को वो 500 रुपया अपना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। अपने पास एक नया और तरह का कोई काम आ गया उसमें वो बंदा यूज हो सकता है, वो वहां से अपने को इनकम जनरेट करके देख सकता है 800 रुपए की। तो अब अपने वो डिसीजनिंग लेनी है कि यार मेरे को ये 800 रुपए का ऑर्डर एक्सेप्ट करूं या ना करूं, तो ये जो वो मोबाइल सैंपल कर सकता था वो काम उसको छोड़ना पड़ेगा, तो इसका मतलब वो प्रॉफिट आपका खत्म हो जाएगा, वो बेनिफिट आप छोड़ रहे हो। वो क्या चीज है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब आप एक नया डिसीजन लेते हो उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ये तभी अफेक्ट करता है। और लेबर लाखों में पड़े हैं, सारे वेले बैठे हैं, तो वो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप एक प्रेजेंट पोजीशन में हो, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आप एक डिसीजन लेते हो कि मैं इस रिसोर्सेज को वहां पे लगाऊं, उस रिसोर्सेज को वहां पे लगाने की वजह से इस रिसोर्सेज से जो इनकम जनरेट हो सकती थी वो लॉस्ट हो गई, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बड़ा इजी एग्जांपल, फाइनेंस कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। आज आपके पास 50 लाख रुपया है, आपको वो बैंक इंटरेस्ट दे रहा है 1 रुपीज का, तो आपका इंटरेस्ट बन रहा है मंथली 50,000 का, 50,000 पे आपको मंथली इंटरेस्ट बन रहा है। तो आपके पास ऑप्शन आया है बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करने का, तो आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर देते हो। बिजनेस से इन्वेस्टमेंट जब आप करोगे तो आप क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि यार मेरे को 50,000 से ज्यादा प्रॉफिट आ जाएगा या नहीं आएगा। 50,000 तो मैं ऑलरेडी इंटरेस्ट ही अर्न कर रहा हूं, तो जब आप डिसीजन लोगे तो ये आपको 50,000 तो छोड़ना पड़ेगा ना। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट पे जाओगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट आपको छोड़नी पड़ेगी। ये इंटरेस्ट कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप क्या बात करोगे? आप बात करते वक्त अपने माइंड में क्या लाओगे कि यार ये चीज तो मेरे को मिल ही रही है, ये मेरे को लॉस्ट करनी पड़ेगी, ये इस प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जब आप टोटल एनालिसिस करोगे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो आप इस 50,000 कॉस्ट को काउंट करोगे, सब्जेक्ट टू कि आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। तो अगर फंड पड़ा है आपके पास, इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा, बैंक इंटरेस्ट दे ही नहीं रहा, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। अगर आप उस रिसोर्सेज से डेफिनेटली कुछ अर्न कर सकते थे वो आप लॉस्ट कर देते हो तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। क्लियर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक होती है नोशनल कॉस्ट, ये भी इसी से रिलेट रहती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। जो अपने इंटरेस्ट की एग्जांपल ली वो नोशनल कॉस्ट है कि मेरे को इस पे इतनी इनकम जनरेट हो सकती थी, वो नोशनल कॉस्ट होती है। जैसे अपन इंटरेस्ट की एग्जांपल लेके हटे हैं कि मैं अगर अपनी फंडिंग उसमें करता हूं तो वो मेरे को ये चीज लॉस्ट करनी पड़ेगी, वही नोशनल कॉस्ट हो जाती है। नोशनल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ही बात है, बट नोशनल कॉस्ट एक एज्यूम कॉस्ट होती है कि अपने पास एक ऑफर अवेलेबल है तो बस को नोशनल कॉस्ट कह जाते हैं अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? स्लाइटली सा डिफरेंस है, वो अपनी रूटीन की कॉस्ट होती है कि आप एक काम कर ही रहे होते हो, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, उस पर आपको कंट्रीब्यूशन मिल पा रहा है, तो आप डिसीजन लेते हो कि इस रिसोर्सेज को कहीं और लगाऊं तो उसके लिए मेरे को वो चीज छोड़नी पड़ेगी, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। नोशनल कॉस्ट जब हम प्लानिंग करते हैं तो पर देख लेते हैं कि इस फंड से ये हो सकता था, मैं अपना फंड बैंक में दे सकता था और बैंक कह रहा है कि यस कि आप 8% इंटरेस्ट ले लो, तो आप अपने डिसीजन के लिए नोशनल कॉस्ट को काउंट करो। ये सारी कॉस्ट हैं जो जैसे जैसे आप एग्जांपल करेंगे ना उसके साथ में समझ में आएगी। ये तो पहले आप एक बार मीनिंग डिस्कस कर रहे हैं। फिर है अवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट क्या हुई कि जो अपनी अवॉइड की जा सकती है डिसीजन मेकिंग में। आज आपकी कॉस्ट हो रही है, आप एक पर्टिकुलर डिसीजन लेते हो
उसमें ये हो गया कि यार ये कॉस्ट अपनी सेम हो सकती है, बच सकती है, या अपने को वो इनकट नहीं करनी पड़ेगी, वो अवॉइडेबल कॉस्ट है। इसकी थ्योरेटिकल आप उसमें पढ़ लेना, थोड़ी सी पूरी डिटेल दी होती है, बट मीनिंग ये है कि जो अपनी कॉस्ट स्किप हो सकती है उसको आप अवॉइडेबल कॉस्ट बोलते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट, संक कॉस्ट जो अपन ने डिस्कस कर लिया है, हो चुकी है। एक आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, वो ये एग्जांपल देते हैं कि जो कैश एक्सपेंडिचर होना है, जो अपने किसी को बाहर पेमेंट करनी होती है, वो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट होती है। सपोज करो अपन टोटल कॉस्ट में डेप्रिसिएशन भी काउंट कर लेते हैं, बट डेप्रिसिएशन आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि उसको अपने किसी को पे नहीं करना होता, वो एक कॉस्ट ऑफ गुड्स का पार्ट होती है। कुछ स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं है, अब ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। संक कॉस्ट अपन वहां पे यूज करते हैं जब अपनी डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ती है। अगर आपने एक आज कॉस्ट कर दी तो वह हिस्टोरिकल कॉस्ट है, आपने कोई डिसीजन नहीं लेना, तो आप उसमें क्या बात करोगे, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है। जब आप एक डिसीजन लेने जा रहे हो तो अपना प्रेजेंटेशन में अपनी दिखाने के लिए आप क्या कहेंगे कि ये संक कॉस्ट है, ये डिसीजन के लिए रेलिवेंट नहीं है। नेम में डिफरेंस है सिर्फ अपनी समझने की प्रेजेंटेशन में, अदरवाइज हिस्टोरिकल कॉस्ट और संक कॉस्ट सेम होती है। पर जब आप डिसीजनिंग पे जाएंगे तब बात करेंगे कि यार ये संक कॉस्ट है। एक होती है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, ये कॉस्ट होती है कि इस कॉस्ट को आप चेंज कर सकते हो। चेंज का मतलब कि आपकी ये डिस्क्रेशन है कि इसको मैं इनकर होने दूं या ना दूं, आप ऐसा डिसीजन लेते हो ये कम या ज्यादा हो सकती है। अगर ऐसा करेंगे तो ये कॉस्ट इतनी होगी, अगर ऐसा करेंगे तो ये कॉस्ट इतनी हो जाएगी, वो आपकी डिस्क्रेशन कॉस्ट आ गई। आपके डिसीजन मेकिंग पे वो डिपेंड करती है कि कैसा डिसीजन लेते हो, उस पे वो कम ज्यादा हो जाती है। बाकी तो ये कुछ नहीं है। शटडाउन कॉस्ट है, ये नेम से ही सारी कॉस्ट क्लियर है। शटडाउन कॉस्ट क्या हुई, सपोज करो आपका कोई प्रोडक्ट चल रहा है, उसको अगर बंद करते हैं तो उसको बंद करने की कॉस्ट, या आपका कोई प्लांट है, आप डिसीजन लेते हो कि यार ये मैंने ये डिवीजन बंद करना है, उसको बंद करने की क्या कॉस्ट आती है, उसको आप शटडाउन कॉस्ट बोलते हैं। एक है पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट क्या होती है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अलावा पी एंड एल में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको आप पीरियड कॉस्ट बोल देते हैं। कुछ तो अपन एक्सपेंसेस ये डाल के कि ये तो अपने चार्ज कर दिए प्रोडक्ट के, उसके अलावा जो भी खर्चे हो रहे हैं, रूटीन में खर्चे हो गए, लाइफ में, बिजनेस में, जो कि अपने को सर्टन नहीं थे, वेरिएबल है या कैसे है, वो पीरियड कॉस्ट आ जाती है। नहीं जी, डिपेंड करता है, आप किसी भी कॉस्ट को रेलेवेंट या इररेलेवेंट नहीं कह सकते, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। पीरियड कॉस्ट, आपने एक डिसीजन ले लिया, आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना रखा है कि मैंने ये एक्सपेंसिव करके मेरा ये प्रोडक्ट 500 रुपए का पड़ता है, आप ये डिसीजन ले लो कि ये नया प्रोडक्ट बनाना है, तो यार साथ में एक मेरे को ऐसे फालतू खर्चा करना पड़ेगा जिसको रिश्वत देनी पड़ेगी या डोनेशन देनी पड़ेगी या कोई काम करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को 500 रुपया एक्सपेंसिव करना पड़ेगा, वो पीरियड कॉस्ट है, बट वो डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट है। जब आप उस चीज का डिसीजन लेने जाओगे तो आप देखोगे कि यार इसको भी तो 500 रुपया देना पड़ेगा, वो अपनी कॉस्ट में डालोगे। तो ये सिचुएशन में डिपेंड करता है कि क्या है। एक है डिफरेंशियल कॉस्ट, अपन जो अभी आगे सम करेंगे वो डिफरेंशियल कॉस्ट से करेंगे। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है कि जब आप एक डिसीजन लेते हो या दूसरा डिसीजन लेते हो, उसमें अपनी कॉस्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है,
प्रेजेंट सिचुएशन या आगे वाली सिचुएशन में क्या डिफरेंस आ रहा है उसको अपन डिफरेंशियल कॉस्ट कर कहते हैं। ये इंक्रीमेंटल भी हो सकती है और डिक्रीमेंटल भी हो सकती है। डिफरेंशियल कॉस्ट में दोनों आ गए कि कॉस्ट चाहे बढ़े चाहे कम हो बट डिफरेंस क्या है वो डिफरेंशियल कॉस्ट है। आप एक ऑपरेशन कर रहे हो मशीनरी ए से, एक कर रहे हो मशीन बी से, काम वही दोनों करती हैं। आप मशीन ए की कॉस्ट निकालते हो कि प्रोडक्ट मशीन ए पे बना रहा हूं तो इतना इतना कॉस्ट आ रहा है, मशीन दो पे बना रहा हूं तो इतना आ रहा है, इनका डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंशियल कॉस्ट। अब आप जब अपना एग्जाम में प्रेजेंटेशन देना है तो ये लिखोगे कि डिफरेंशियल कॉस्ट इज हायर देन इतनी। ये तो अपन जनरली यूज करते हैं लिमिटिंग फैक्टर और की फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर और की फैक्टर क्या होता है? जो आपका स्केर रिसोर्सेस होता है, जब आप प्रोडक्शन कर सकते हो उसमें स्कैसिटी किस चीज की है, कौन सी चीज कम अवेलेबल है, वो आपका लिमिटेड फैक्टर आता है। जो बहुत ज्यादा पड़ी है डिसीजन मेकिंग के लिए वो फैक्ट करती नहीं, चाहे वो बना लो चाहे ना बनाओ। ये थोड़ी सी ये थी, आप इसमें जो थ्रेटिकल बड़ा अच्छा दे रखा है सब कोस्ट का डिफरेंस वो आप पढ़ लेना, क्योंकि उससे आपको उसमें इनपुट मिलेगी कि और उसमें आपने अगर क्वेश्चन में ये दो दो नंबर के मार्क्स आते हैं इस आया था। तो देखो मैंने पहले भी यही बताया था कि जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो एक मीनिंग और क्लैरिटी डिस्कस कर सकते हैं, बट आपको थ्रेटिकल बुक से एक एक वर्ड इस बुक का पढ़ लेना गारंटी है। आप इंस्टीट्यूट का ये दोनों प्रैक्टिकल और पढ़ लो, फेल होने का मतलब ही नहीं होता, सारा कुछ यहीं से उठा के आ जाता है। कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, थ्रेटिकल आप यहां से कवर कर लो, क्योंकि देखो कहीं से भी आप पढ़ोगे आपको पूरा थ्रेटिकल नहीं बता पाएंगे। मैं तो आपको एक मीनिंग बता पाऊंगा, उसके आपको एक ही मार्क्स मिलेगा, एक डेढ़ मार्क्स मिलेगा, बट आप उसमें और क्या ऐड करना है, क्या एग्जांपल ऐड करनी है, वो आपको यहां से मिल जाएगी। आप फर्स्ट अभी हम बुक बंद कर दो, ये देखना है आपने सिर्फ अपनी माइंड की एप्लीकेशन लगानी है, ये क्या चीज अपने लिए रेलेवेंट है क्या रेलेवेंट नहीं है वो अपने सिर्फ समझना है। इसके जो भी आप एग्जाम सम करोगे ना, आप अपने चाहे प्रैक्टिस के लिए करो, तो आप सॉल्यूशन देखना नहीं है, पहले उसको करो, गलत करो, फिर आपको पता चलेगा कि यार मैंने गलती की, सही की या गलत की। अगर आप बुक से देख लोगे तो आप सीधा डिसीजन पे बिल्कुल राइट पहुंच जाओगे और आपको लगेगा कि यार मेरे को तो सम आता है, क्यों बुक में तो बता रखा है कि यार ये नहीं रेलेवेंट होगी, आप देखोगे हाँ रेलेवेंट नहीं है, इट्स ओके रेलेवेंट नहीं है। बुक बंद करके पहले सम करो, फिर आपको पता चलेगा कि यार मैंने सही डिसीजन लिया कि गलत लिया। अगर बुक से देखते करते चलोगे फिर आपके सारे डिसीजन सही होते जाएंगे। आप ये क्वेश्चन करते हैं, ए कंपनी हैज बीन मेकिंग ए मशीन टू ऑर्डर फॉर ए कस्टमर, बट द कस्टमर हैज शीज गोज इनटू लिक्विडेशन एंड देयर इज नो प्रोस्पेक्ट दैट एनी मनी विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। मतलब आपने एक मशीन तैयार की थी कस्टमर के लिए, वो लिक्विडेशन हो गया, उसने अब मशीन वो लेनी नहीं है। कॉस्ट इनकर टू डेट इन मैन्युफैक्चरिंग द मशीन आर 50,000 एंड प्रोग्रेस पेमेंट ऑफ 15,000 हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर प्रायर टू द लिक्विडेशन। आपने उस पे अब तक 50,000 रुपया खर्च कर चुके हो और उसके रिप्लेसमेंट में उसने आपको 15,000 रुपया एडवांस दिया, तो अब डेफिनेटली इस क्वेश्चन में क्या होगा कि अपने ये देखना है कि अब उस मशीन को आगे बनाएं या उसको वहीं पे खत्म कर दें। तो ये जो 50,000 रुपया आप खर्च कर सके हो, ये कौन सी कॉस्ट है? ये संक कॉस्ट होगी, ये आपके डिसीजन के लिए रेलेवेंट नहीं रहेगी। द सेल डिपार्टमेंट हैज फाउंड अनदर कंपनी विलिंग टू बाय द मशीन फॉर 34,000 वंस इट हैज बीन कंप्लीट। अगर आप इस मशीन को कंप्लीट करते हो तो वो 34,000 में बिक सकती है, 50,000 तो आप ऑलरेडी खर्च कर चुके हो, बट वो रेलेवेंट नहीं है। टू कंप्लीट द वर्क द फॉलोइंग कॉस्ट वुड बी इनकर्ड, ये कॉस्ट होएगी। मटेरियल, दिस हैव बीन बोट एट ए कॉस्ट ऑफ 6,000, दे हैव नो अदर यूज एंड इफ द मशीन इज नॉट फिनिश्ड
दे वुड बी सोल्ड एज स्क्रैप फॉर 2000। आपने मटेरियल परचेज कर रखा है उसको ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए, आपने वो 6000 का परचेज किया है, उसको और कोई यूज नहीं है, एंड इफ द मशीन इज नॉट फिनिश दे वुड बी सोल्ड एज स्क्रैप। मतलब आप अगर पहले ऑर्डर के हिसाब से आपने मटेरियल 6000 का परचेज किया था, उसको और कुछ यूज नहीं होना, अगर वो कहते कि वो मशीन नहीं बनाते तो ये मटेरियल 2000 का बिक जाएगा। फ्यूचर लेबर कॉस्ट वुड बी 8000, उस पर आपको लेबर फ्यूचर है इनकर करनी पड़ेगी, अभी हुई नहीं है। लेबर इज शॉर्ट सप्लाई, लेबर आपका शॉर्ट सप्लाई में, इसका मतलब ये आपका लिमिटेड फैक्टर आ गया। एंड इफ मशीन इज नॉट फिनिश्ड द वर्क फोर्स वुड बी स्विच टू अनदर जॉब। आपने लेबर हायर कर लिया, उसको 8000 रुपया देना है, वो कहते हैं अगर मशीन नहीं बनाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये किसी और जॉब पे लग जाएगा, विच वुड अर्न 30000 इन रेवेन्यू। वो जहां पे काम करेगा वो आपको 30000 का रेवेन्यू देगा। एंड इनकर डायरेक्ट कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड डायरेक्ट लेबर ऑफ रुपए 12000, मतलब कॉस्ट लगेगी मतलब उसकी लेबर को छोड़ के। एंड एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड 8000, उस प्रोडक्ट पे आपके 8000 रुपया आपने करे, ये भी रिलेवेंट नहीं रहेगा। कंसल्टेंसी फीस 4000, इफ द वर्क इज नॉट कंप्लीटेड द कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट वुड बी कैंसल एट ए कॉस्ट ऑफ 1500। आपको 4000 रुपया देना है, बट आप कहते हो कि अगर ऑर्डर कैंसिल कर देते तो आपको 1500 रुपया देना पड़ेगा। जनरल ओवरहेड ऑफ 8000 वुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ, ये भी फिक्स्ड कॉस्ट है। अब अपने क्या डिसीजन लेना है, शुड द न्यू कस्टमर्स ऑफर बी एक्सेप्टेड प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द इकोनॉमिक्स ऑफ द प्रोस्पेक्ट। अब अपने ये स्टेटमेंट बनाते हैं कि डिसीजन लेना है अब अपने कि आप ये नया ऑफर एक्सेप्ट करें या ना करें, या इसको एज इट इज यहीं पर छोड़ दें। तो वन टू वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने को नई जो मशीन सेल होनी है उस पर अपने को कितने पैसे मिलने वाले हैं, बस पहले तो ये आपके वर्किंग नोट का पार्ट आएगा कि ये जो हमने 50 स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, वर्किंग नोट का पार्ट क्या आएगा कि ये जो 50000 कॉस्ट है ये संक कॉस्ट है, इसलिए ये अपने डिसीजन मेकिंग में रेलेवेंट नहीं है। 50000 भी अपनी ये रियलाइज हो चुकी कॉस्ट है, ये भी डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट नहीं है, वो तो आपके पास आ गया, बात खत्म हो गई। अब डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट है, अब आप नई मशीन 34000 रुपए में सेल कर रहे हो तो अब आप रेवेन्यू की स्टेटमेंट बनाते हैं कि अपने को क्या बेनिफिट होता है। रेवेन्यू फ्रॉम मशीन, अगर आप मशीन कंप्लीट करते हैं तो अपने को कितने पैसे मिलेंगे, 34000। अब अपने ये देखना है कि इस पे कितने एक्सपेंसेस इनकर्ड करने पड़ेंगे। सबसे पहले आ गया मटेरियल, मटेरियल उसने कहा है मटेरियल हैव बीन बोट फॉर 6000, मटेरियल 6000 का अपने परचेज किया है, आज अगर वो मशीन कंप्लीट करते हैं फिर तो वो नई मशीन में ये यूज हो जाएगा, अगर नहीं तो ये आप 2000 रुपए में सेल कर सकते हैं। तो यहां पे डिसीजन मेकिंग में ये कितना आएगा, 6000 के 2000 सबका यही रहा है या किसी को 6000 भी लग रहा है, क्लियर है ना। यहां पे मटेरियल आप 2000 लगाएंगे क्योंकि 6000 तो हो चुका, वो तो गया, उससे कोई कंसर्न नहीं है। अगर आज आप मशीन नहीं बनाते हो तो 2000 का नुकसान होएगा जो उसको आप स्क्रैप में बेच सकते थे, इसलिए आप कहोगे कि यार मशीन बनाने के लिए मेरे को मटेरियल का 2000 का वैल्यू देना पड़ रहा। ये मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी कॉस्ट है मटेरियल की 2000, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरी राइटिंग समझ आ जाती है ना। फिर आप आते हैं लेबर पे, लेबर कॉस्ट वुड बी 8000, लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई एंड इफ द मशीन इज नॉट फिनिश्ड द वर्क फोर्स वुड बी स्विच टू अनदर जॉब
विच वुड बी अर्न 30,000 इन रेवेन्यू एंड इनकर डायरेक्ट कॉस्ट 12,000 एंड एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड 8,000। अब अपने देखना है कि लेबर की अपने का टोटल कितनी कॉस्ट पड़ेगी। अगर तो अपन मशीन बनाते हैं सिंपल, तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 8,000। अगर नहीं बनाते तो कितनी पेमेंट, तो अपन को क्या करेंगे, तो वो लेबर आपका कहीं और हायर कर देंगे, उससे अपने को कितना बेनिफिट होने वाला है लेबर का? 30,000 तो आपको उससे रेवेन्यू आएगा, 12,000 रुपया उससे अपने को कॉस्ट आएगी, और 8,000 अपने को इसको लेबर देनी पड़ेगी, क्योंकि 12,000 जो कॉस्ट है वो विदाउट लेबर है। अगर आप उसको वहां पे हायर करोगे तो इसको तो पैसे देने पड़ेंगे ना 8,000। तो 12,000 इसकी कॉस्ट आएगी और 8,000 आपको एक देने पड़ेंगे लेबर कॉस्ट। तो आपको जो ये 8,000 ये एक अलग है, 8,000 इसमें फिक्स्ड कॉस्ट अब्जॉर्ब कर रखी है, ये इररेलेवेंट है, ये तो आपने उसमें अब्जॉर्ब किया है। कोई ऐसा नहीं है कि अगर मैं वो प्रोटेक्ट नहीं लूंगा तो ये सेविंग हो जाएगी या ये एक्स्ट्रा इनकर्ड हो रही है, इसके लिए नोट आएगा कि ये फिक्स्ड कॉस्ट 8,000 रेलेवेंट नहीं है। तो आपको 10,000 का बेनिफिट हो सकता है अगर लेबर को कहीं हायर करते हो तो ये 10,000 क्या आ गई? अपॉर्चुनिटी, तो ये इस प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगी। और लेबर कॉस्ट भी तो पे करनी पड़ेगी है? दोनों में आ जाएगी ये 8,000 आ जाएगा। ये क्लियर है या नहीं? हाँ, अब मैं बताता हूं। आप दोनों सिचुएशन को अलग करके देखो। अगर आप मशीन बनाते हो नहीं, तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 8,000 देने पड़ेंगे ना, ये हमने यहां पे लगा दी। अगर आप ये नहीं बनाते, कुछ और बनाते, तो आपको कितनी सेविंग होती? 18,000 की कैसे होती? आपको 30,000 रेवेन्यू था, 12,000 उस पर खर्चा आना था, तो अगर ये मशीन नहीं बना रहे हो, उसको लेबर तो दोगे, तो 8,000 वो लेबर भी तो आती यहां पे, तो यहां पे 10,000 ही तो प्रॉफिट हो रहा था आपको। आप ये मशीन नहीं बना रहे जिसको अल्टरनेट यूज कर रहे हो, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10,000 ही तो हो रहा है, तो वो 10,000 तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, 8,000 आपकी ये लेबर कॉस्ट होगी। इसको अल्टरनेट सोचो। मैं कहता हूं कि मेरी कोई लेबर वेबर कॉस्ट नहीं है, लेबर कॉस्ट तो मेरी 8,000 हर हाल में आनी है, लेबर कॉस्ट तो हर हाल में ही आनी है। अब आप देखो, फिर आपकी यहां पे 18,000 रुपया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाए, उस तरीके से भी ले सकते हो, या इसको ऐसे देखो कि लेबर कॉस्ट तो आपकी 8,000 आएगी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हुई? 10,000। क्लियर है ना जी? कंसल्टेंसी फीस है 4,000। इफ द वर्क इज नॉट कंप्लीटेड, द कंसल्टेंस कॉन्ट्रैक्ट वुड बी कैंसल एट 1,500। तो अब यहां पे कौन सा आएगा? और किसी की क्या राय है यहां पे कितना आएगा? और दिस इज नॉट ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दिस इज ए स्क्रैप वैल्यू, इसमें आएगा 2,500 रुपया। क्यों? कंसल्टेंसी फीस आपको 4,000 रुपया देनी पड़ेगी अगर आप मशीन पे जाते हो। अगर नहीं जाते तो आपका उसको कैंसिल कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट 1,500 रुपया देके। तो आप अगर जाते हो तो कितना खर्चा इनकर्ड करना पड़ रहा है? 2,500 रुपया। 1,500 तो आपको देना ही है, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हो तो 1,500 देना है, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करते, आप इसकी कंसल्टेंसी लेते हो तो 4,000 देना है। इस डिसीजन मेकिंग के लिए कितना रेलेवेंट हुआ? 2,500। ये आपकी स्क्रैप वैल्यू होगी मटेरियल की, कि आपको ये तो 2,500 देना ही है। कंसल्टेंसी कॉस्ट 2,500, ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट।
10 और 18 20 22,500। आपको 22,500 कॉस्ट आएगी और 34,000 रुपये आपकी इनकम जनरेट हो रही है, तो आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करो। और ये जो एक ये दिया हुआ है लास्ट पॉइंट है जनरल ओवरहेड, ये भी एक फिक्स कॉस्ट है जो उन्होंने वहां पे दिखाई हुई है, तो ये भी डिसीजन मेकिंग के लिए अफेक्ट नहीं करेगी। बट मैं फ्रेंकली बताऊं, ये इस यहां से कोई क्लियर नहीं हो रहा कि ये फिक्स कॉस्ट है, ये एक अजम्पशन सी ही है। देखो ना, जनरल ओवरहेड ऑफ 8,000 वुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एडिशनल वर्क। अब इसका क्या एग्जैक्ट मीनिंग आ रहा है? उसका मतलब तो यही आ रहा था कि 8,000 अलग से लगेंगे, बट सम में इसको ये इन्होंने कह रखा है कि ये फिक्स्ड कोड के अब्सॉर्प्शंस है, इसलिए ये मेरे को भी डाउटेड है कि 8,000 को क्या करेंगे। बट मैं आपको इसको उसी तरीके से कर रहा हूं कि जैसे आपने किया, बट ज्यादा इसका ये भी चांस है कि ये इनका जो आर्गुमेंट है जो ठीक है, क्योंकि जो जनरल ओवरहेड होते हैं ये एक अब्सॉर्प्शन चीज होती है। नहीं, वो उसने कहा कि ये एडिशनल वर्क पे लगेंगे, बट ये नहीं कहा कि एक्स्ट्रा लगेंगे, ऐसा नहीं कहा। वो तो सिर्फ एडिशनल वर्क की बात कर रहा है, एडिशनल कॉस्ट की बात नहीं कर रहा। अगर आप एडिशनल वर्क करने जा रहे हो, जो आप डिसीजन ले रहे हो, तो आपके 8,000 जनरल ओवरहेड हैं। इट मीन्स वो कह रहे हैं कि वो उसको एब्जॉर्ब होएंगे उस प्रोडक्ट पे। अब आप मान लो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसे तो नहीं कह सकते कि यार मैंने इससे 12,000 रुपया अर्न कर लिया, तो आप उसमें कुछ फिक्स ऐसे ओवरहेड का तो अब्सॉर्प्शन तो दोगे ना। मान लो आप वो मशीन बनाते नई वाली, तो उसमें आपने अपने फैक्ट्री का कुछ ना कुछ हिस्सा तो वो उस पे फिक्स कॉस्ट पे चार्ज किया होता, वो तो अल्टीमेटली तो इस पे चार्ज करेंगे, बट वो डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट नहीं है। क्लियर है ये? देखिए नेक्स्ट सम, इलस्ट्रेशन 2 है। अभी भी आपने उसमें से कुछ नहीं देखना, सो देट कि आप अपना माइंड यूज करें कि इस पे अपने हिसाब से क्या होना चाहिए था। जब आपके 60% चीजें ठीक हो जाएंगी, तो इसका मतलब अपने को 60% कॉन्फिडेंस तो हो जाएगा ना कि यार ये इसमें कुछ है ही नहीं है करने को, ये तो मेरे को आता ही है। टिपटॉप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर ए वाइड रेंज ऑफ फैशन फैब्रिक्स। द कंपनी इज कंसिडरिंग वेदर टू ऐड ए फर्दर प्रोडक्ट सुपर्ब टू द रेंज, मतलब जो वो नया प्रोडक्ट ऐड करने की सोच रही है। ए मार्केट रिसर्च सर्वे रिसेंटली अंडरटेकन एट ए कॉस्ट ऑफ 50,000। मार्केट वो सर्वे कर चुके हैं, उस पर 50,000 रुपया एक्सपेंडिचर कर चुके हैं, डेफिनेटली ये क्या हो गया, संक कॉस्ट। सुजेस्ट दैट डिमांड फॉर द सुपर्ब विल लास्ट फॉर ओनली 1 ईयर, मतलब अगर आप सुपर्ब बनाओगे तो उसकी एक ही साल डिमांड रहनी है। ड्यूरिंग विच 50,000 यूनिट कुड बी सोल्ड एट 18,000। उस सुपर्ब के मैक्सिमम सेल कितनी होगी, 18 रुपए के हिसाब से वो बिकेगा, 50,000 यूनिट ही बिकेंगे इस साल में, 9 लाख रुपए की आपकी सेल वैल्यू आ गई। प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ सुपर्ब वुड टेक प्लेस इवनली थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब क्या बता दिया उसने कि अगर आपका कोई मंथली दिया हुआ तो उसको आप डिवाइडेड कर सकते हैं कि अगर 50,000 साल में बिकना है तो मंथली इतनी बिक लेगी, इवनली थ्रू ईयर का मतलब ये हो। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब सुपर्ब की वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बारे में बता रहा है कि उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। डेफिनेटली ये क्वेश्चन से आइडिया हो गया कि अब अपने ये डिसीजन लेना है कि सुपर्ब बनाए या सुपर्ब ना बनाए, तो अब देखते हैं कि कौन सी कॉस्ट कितनी कैसे रेलेवेंट कर रही है। सबसे पहले रॉ मटेरियल, ईच सुपर्ब वुड रिक्वायर 3 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल, पोस्ट फैश एंड स्प्लैश, 3 तरह का रॉ मटेरियल लगेगा। क्वांटिटी रिक्वायर्ड करंट स्टॉक लेवल एंड स्टॉक ऑफ ईच रॉ मटेरियल आर शोन बिलो। ये उसने बता रखा है
कि ये तीन प्रोडक्ट लगते हैं पोश फैश एंड स्लैब, क्वांटिटी रिक्वायर्ड पर यूनिट सुपर, मतलब सुपर का एक प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका एक यूनिट लगता है, इसके दो और इसके हाफ, ये प्रेजेंट स्टॉक है इसके पास, पोश का 1 लाख, इसका 60,000 और इसका 0। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब क्या हुआ कि इस रेट पे हमने इसको परचेज कर रखा है 2 रुपए 10 के 3.30 से। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है, हाँ अगर आप आज मार्केट से खरीदने जाएंगे तो ये अपने को 2.5 रुपए और इतने का बिकेगा। करंट रीसेल वैल्यू, अगर आप इसको यूज नहीं करते यही बेच देते हैं तो अपने को इतनी वैल्यू रिलाइज होगी। अब उसने देखो आगे क्या दिया हुआ है, द करंट स्टॉक ऑफ फ्लैश इज द रिजल्ट ऑफ ओवर बाइंग, कोई ब्लाइंड मिस्टर नहीं करके पोश इज यूज नहीं यहां से था, पोश इज यूज्ड रेगुलरली बाय द कंपनी एंड स्टॉक आर रिप्लेस्ड एज दे आर यूज्ड। अब आप साथ के साथ डिस्कस करते जाते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे आएगी। सबसे पहले अपने को ये डिसीजन लेना है आप सुपर्ब का कि वो अपन ने बनाना है या नहीं बनाना, तो सबसे पहले तो अपने को सेल वैल्यू आ गई कितनी, ये होगी 9 लाख। अब मटेरियल की बात करते हैं, वो पोश इज यूज्ड रेगुलरली बाय द कंपनी एंड स्टॉक आर रिप्लेस्ड एज दे आर यूज्ड, मतलब वो कहते हैं कि ये रेगुलरली यूज होता है, अगर आप इसको यूज करोगे तो साथ के साथ आप नया परचेज कर लो। अब पोश इस प्रोडक्ट के लिए कितनी वैल्यू रखता है अपने ये देखना है, ठीक है ना। अब अपने ये देखना है कि अगर सुपर्ब बनाए तो पोश की उसमें क्या कॉस्ट ऐड करें। देखो पोश पहले तो कितना लगता है, एक यूनिट लगता है, तो अपने कितनी बनानी है 50,000, तो अपने को 50,000 यूनिट पोश के चाहिए, वो किस रेट पे लगेंगे, अपने पास 1 लाख मटेरियल पड़ा है, 2 रुपया 10,000 पे इसकी कॉस्ट है, ओरिजिनल अपने बाय किया हुआ है, आज अगर इसको सेल करते हैं तो 1.80 रुपए बिकेगा, अगर आज मार्केट से नया लेने जाएंगे तो 2.5 रुपए में बिकेगा, तो ये 50,000 यूनिट किस रेट पे चार्ज करेंगे, आप पहले तो आप बुक बंद कर दो क्योंकि आपका माइंड यूज नहीं हो पाएगा, आपकी क्या राय है, नहीं बताओ 210, 250 या 180। इसमें आप लेंगे करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्यों, क्योंकि उन्होंने बताया है पोश इज यूज रेगुलरली, आपने सुपर्ब के लिए नहीं परचेज किया, आपका एक प्रोडक्ट है उसके लिए यूज करते हो, बाय द कंपनी एंड स्टॉक आर रिप्लेस्ड एज दे आर यूज्ड, जैसे ही वो यूज होएगा आप उसको नया परचेज करोगे, तो अगर आप सुपर्ब बनाते हो उसपे 50,000 यूनिट अगर लग जाएंगे तो आपको इमीडिएटली नए परचेज करने पड़ेंगे, तो सुपर्ब की वजह से आपका 2.5 रुपीज स्पेंड हुआ, नोट 210, 180 तो कभी भी नहीं, इसको आप कोई सेल थोड़ी कर दोगे, अगर ये ऑब्सोल्यूट होता तो यहां पे मटेरियल की क्या कॉस्ट आएगी पोश की, पोश की कॉस्ट आएगी वन यूनिट लगता है इंटू 50,000 यूनिट बनाने हैं एट द रेट 2.5, ये हो गया 1,25,000। अब आ जाओ आप वन ले, नहीं वो कहां रिप्लेस किया, हाँ वो पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है, बट अब आपका क्वेश्चन ये है कि वो तो 2 रुपए 10 पैसे से ही पड़ा है, तो आप 2.5 रुपए वैल्यू क्यों लें, अपने पास तो स्टॉक है ही, बट अब आपने डिसीजन क्या लेना है, ऐसे सोचो कि मैं अगर सुपर्ब बनाता हूं तो मैं यहां पे 50,000 यूनिट यूज कर लूंगा, यूज हो जाएंगे ना, इट मीन आपको और प्रोडक्ट के लिए परचेज करने पड़ेंगे ना, वो किस रेट पे परचेज करोगे, 2.5 पे करोगे, तो इसलिए ये रेलेवेंस 2.5 है। द पोश हो गया ना, द करंट स्टॉक ऑफ फ्लैश इज द रिजल्ट ऑफ ओवरबाइंग, जो फ्लैश है वो आपने वो बता दिया कि आपकी ओवरबाइंग हो चुकी है, मतलब एक्सेस स्टॉक पड़ा है फॉर ए अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट,
आपने कोई कॉन्टेक्ट किया था उसके लिए आपने ये ज्यादा परचेज की है। द मटेरियल इज नॉट यूज रेगुलरली बाय द टिप्टो टेक्सटाइल एंड एनी स्टॉक दैट वुड नॉट यूज टू मैन्युफैक्चर सुपर्ब वुड बी सोल्ड। वो कहते हैं कि ये जो फ्लैश है हमने ओवर बाइंग का रिजल्ट है, अगर कहीं यूज नहीं होता तो हम इसको सेल कर देंगे। अब इस पे तीन वैल्यू है, ये 3.5 रुपए पे आया था, नया 2.80 पे मिलता है, 1.10 पे अपने को बेच सकते हैं, तो इसकी क्या वैल्यू लेंगे? सबसे पहले तो इसकी यूनिट स्टॉक कितना पड़ा है, अपने को कितना चाहिए 1 लाख। 60,000 किस पे आएगा और 40,000 2.8। क्लियर है जी? तो 1.1 पे आएगा और 40,000 आएगा 2.8, ये बन जाएगा 1,78,000। ठीक है, अब आते हैं आप स्प्लैश पे। द कंपनी डज नॉट कैरी ए स्टॉक ऑफ स्प्लैश एंड द यूनिट रिक्वायर्ड वुड बी स्पेशली परचेज। ये आपके पास स्टॉक तो है ही नहीं, आपको नया परचेज करना पड़ेगा, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। अगर नया परचेज करेंगे तो किस पे करेंगे, 5.5 पे। ये कितना यूनिट लगता है, हाफ यूनिट लगता है, तो ये आ जाएगा फ्लैश, आ जाएगा 0.5 इंटू 50,000 इंटू 5.50, ये आ जाएगा 1.375। ये हो गया मटेरियल से रिलेटेड, लेबर ये तो अपने सारा कर लिया ना। अब आगे लेबर पे, प्रोडक्शन ऑफ ईच सुपर्ब वुड रिक्वायर्ड ए क्वार्टर ऑफ एन आवर, मतलब 1/4 चाहिए, क्वार्टर ऑफ एन आवर ऑफ स्किल लेबर एंड 2 आवर ऑफ अनस्किल लेबर। मतलब 1/4 आवर तो लग रहा है आपका स्किल लेबर का और 2 घंटे लग रहे हैं अनस्किल लेबर के। करंट वेजेस रेट आर 3 पर यूनिट ऑफ स्किल लेबर, स्किल लेबर 3 रुपए की है एंड 2 पर आवर फॉर अनस्किल लेबर। इन एडिशन 1 फोरमैन वुड बी रिक्वायर्ड टू डेवोट ऑल दिस वर्किंग टाइम फॉर 1 ईयर इन सुपरविजन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सुपर्ब। मतलब वो तो आपको उसने पर आवर बेस पे बता दिए कि उसका 3 रुपए रेट है स्किल का, 2 है अनस्किल का, 1। अब आप पूरे 1 साल के लिए स्टडी कर रहे हो तो आपको एक फोरमैन चाहिए फुल फ्लैश जो उसको देखेगा। He is currently paid an annual salary of 15,000। मतलब उसकी प्रेजेंट एनुअल सैलरी कितनी है, 15,000। टिपटॉप टेक्सटाइल इज करंटली फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट स्किल लेबर। स्किल लेबर बता दी उसने कि ऐसे नहीं कि जैसे भी ले लो, वो स्कैसिटी है उसकी। द स्किल वर्कर नीड टू मैन्युफैक्चर स्पर्ब वुड बी ट्रांसफर फ्रॉम अनदर जॉब। अगर आप स्किल लेबर वहां पे यूज नहीं करते तो आपको उसको अनदर जॉब पे ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, हाँ एक ही बात नहीं, बनाते हैं किसी और जॉब से आएगी, एक ही बात है। उसने तो आपको ये बताया है कि आज आप प्रेजेंट सिचुएशन में खड़े हो, आपके पास 2 तरह की लेबर है, स्किल और अनस्किल। स्किल लेबर की पूरी वैल्यू है, अगर आप ये नहीं बनाते तो उसको कहीं और यूज कर सकते हो, या ऐसे लगा लो कि अगर वो बनाना है तो उधर से आएगी, वो एक ही बात है। डिसीजन मेकिंग में दोनों बराबर ही आएंगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो उसकी कंसिडर करनी पड़ेगी, चाहे उधर यूज कर लो चाहे उधर से लेके आ लो। यहाँ पे था ना, सुपर्ब वुड बी ट्रांसफर फ्रॉम अनदर जॉब ऑन विच दे आर अर्निंग ए कंट्रीब्यूशन सरप्लस ऑफ 1.5 रुपए पर लेबर आवर। मतलब क्या बता दिया उसने कि स्किल लेबर है जो आपकी, वो अगर आप इस पे लगाते हो तो वो कहीं और से आएगी या कहीं और पे काम कर सकती है, तो वो आपको 1.5 रुपए पर आवर का कंट्रीब्यूशन दे रही है। कंप्राइजिंग सेल रेवेन्यू रुपए 10 लेस स्किल लेबर वेजेस ऑफ 3 एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 5.5।
मतलब 1.5 रुपया कंट्रीब्यूशन कैसे बना, इसमें इसने अपने 8.5, 3 रुपया तो इसकी लेबर होगी, क्योंकि अपने को बता रखा है कि देखो स्किल लेबर का चार्जेस क्या है 3 रुपए। तो उसने बताया है कि अगर आप किसी और जॉब पे ये काम कर रही है उस पे 10 रुपए का तो रेवेन्यू है, स्किल लेबर की कॉस्ट आ गई 3 रुपए और अदर वेरिएबल कॉस्ट आ गई 5.5 रुपए, तो आपको 1.5 रुपया ये पर आवर का कंट्रीब्यूशन दे रही है। कौन? स्किल लेबर। अपना खर्चा निकाल के इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू एम्प्लॉय एडिशनल स्किल लेबर ड्यूरिंग द कमिंग ईयर, मतलब आपको और लेबर नहीं मिल सकती, जो ये है वही है। उसने ये तो बताया नहीं कि स्किल लेबर लगेगी कितनी, चलो देखते हैं। अच्छा बताया ना, क्वार्टर आवर बताया है, क्वार्टर आवर तो स्किल लेबर का लग रहा है और उसका 2 आवर लग रहे हैं। तो इससे ये क्लियर हो रहा है स्किल लेबर अपनी, स्किल लेबर आप खरीदे, स्किल लेबर की क्या कॉस्ट आ गई। ये देखो अपने को 50,000 यूनिट बनाने हैं तो 1/4 आवर पे लगता है, तो आपको 12,500 पे लगे। तो एक तो 12,500, एक तो आपको इसके लेबर कॉस्ट देनी पड़ेगी 3 रुपए, 12,500 × 3 ये हो गया 37,500, और एक आपको अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो रही है। अगर आप ये बना रहे हो तो आपको वो 1.5 रुपया छोड़ना पड़ेगा। कितने घंटों के लिए छोड़ना पड़ेगा? 12,500 घंटे के लिए, आपको 12,500 घंटे ही तो चाहिए, तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी 12,500 × 1.5, ये हो गया 18,750, टोटल कॉस्ट आ गई आपकी 56,250, स्किल कॉस्ट आ गई। अब आते हैं आप अनस्किल पे, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू एम्प्लॉय एडिशनल स्किल लेबर इस पर बार नॉट मैन्युफैक्चर द कंपनी एक्सपेक्टेड टू हैव अवेलेबल 2 लाख सरप्लस अनस्किल लेबर आर ड्यूरिंग द कमिंग ईयर बिकॉज ऑफ द कंपनी इंटेंडेड टू एक्सपेंड इन फ्यूचर इट हैज डिसाइडेड नॉट टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ एनी अनस्किल वर्कर इन द फॉरसेबल फ्यूचर। अब अनस्किल लेबर के बारे में क्या बता दिया कि उसके 2 लाख आर आपके पास सरप्लस है, तो वो अगर आप इस पे नहीं करते तो आप उसको निकाल भी नहीं सकते, क्यों? आपका कॉन्ट्रैक्ट है और आपको फ्यूचर में वो चाहिए, तो अनस्किल लेबर की यहां पे क्या कॉस्ट आएगी? नहीं, इसके ऊपर लगते हैं। नहीं, पहले आप देखो ना कितने लगते हैं, आपको दे तो रखा है, उस पे आपको अनस्किल लेबर के कितने आर लगते हैं? 2 आर लगते हैं। आपको 1 लाख घंटा चाहिए इसका, इसमें कितनी कॉस्ट आएगी? उसको आप 2 रुपए पर आर देते हो, बिल्कुल इसमें कोई कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि वो सरप्लस आर पड़े हैं आपको देने ही है। आप ये सुपर बनाओ चाहे ना बनाओ वो रेलेवेंट ही नहीं है, इसलिए अनस्किल्ड लेबर कितनी आएगी यहां पे? 0। समझे ना, क्योंकि वो तो सरप्लस है। अगर उस पर लिखा होता ना कि ये लेबर वहां पे यूज कर लेंगे तो फिर यहाँ पे उसका जो होता उसके हिसाब से देख लेते, अब तो वो फ्री पड़ी है, या तो उसको निकाल देते फिर आप कहते चले यार 1 लाख आवर यूज करना पड़ेगा इस रेट पे, आप इस पे कोर्स करते हैं, तो अनस्किल लेबर यहाँ पे 0 आएगी, कमिटेड कॉस्ट होगी। बिल्कुल, द फोरमैन इज ड्यू टू रिटायर, फोरमैन है जो आपका रिटायर होने वाला है इमीडिएटली ऑन एनुअल पेंशन ऑफ 6,000, उसको आपने 6,000 रुपया पेंशन पे रिटायर कर दिया। He has been prevailed upon a stay on a further year and to defer his pension for 1 year in return to his annual salary. वो annual salary कितनी ले रहा था? 15,000 salary ले रहा था,
अब वो रिटायर हो रहा है, उसको आपने 6,000 रुपया देना है। पत्र को कहता है कि अगर आप ये सुपर में मनाते हो तो मैं 1 साल और रुक जाता हूं, तो उसके कितनी कॉस्ट आएगी यहाँ पे और कोई राय? नहीं, 1000 आएगी। आप अगर सुपर्ब नहीं बनाते तो कितने पैसे देने हैं? अगर सुपर्ब बनाते हो तो कितने देने हैं? 15,000। व्हाट इज डिफरेंस? 9,000 सुपर्ब के लिए पेमेंट कर रहे हो, नॉट 15,000। अब आते हैं आगे मशीनरी पे। टू मशीन वुड बी रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर फॉर एमटी एंड एमटी 7, डिटेल ऑफ व्हिच मशीन इज एज अंडर। एमटी 4 रिप्लेसमेंट कॉस्ट स्टार्ट ऑफ द ईयर 80,000 और एंड ऑफ ईयर 65,000। रीसेल वैल्यू 60,000 और 47,000। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का क्या मतलब है? बिगनिंग ऑफ द ईयर मतलब आज अगर ये मशीन परचेज करने जाओगे तो 80,000 की मिलेगी, अगर सुपर को बना के इसको सेल करोगे या एट द एंड ऑफ ईयर इसकी वैल्यू रह जाएगी 65,000, मतलब 65,000 पे ये रिप्लेस होगी। रीसेल वैल्यू अगर आप यूज नहीं करते तो आज इसको 60,000 में बेच सकते हो और अगर इसको यूज करके बेचोगे तो 47,000 में बेच सकते हो। दोनों का मीनिंग डिफरेंस समझ में आया ना? रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब आपको चेंज हो जाएगी, रीसेल मतलब वो सेल हो जाएगी। और मशीन M7 भी है सेम, इसके रिप्लेसमेंट 13 है और 9 है और 11 और 8 है। स्टेटिंग लाइन डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड ऑन ईच मशीन फॉर ईच ईयर ऑफ इट्स लाइफ। अब स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हो। टिप टॉप टेक्सटाइल ओन्स ए नंबर ऑफ MT4 मशीन्स। MT4 मशीन इसके पास हैं, विच आर यूज रेगुलरली ऑन वेरियस प्रोडक्ट। आपके पास मशीन है ये रेगुलरली यूज होती है बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे। ईच MT4 इज रिप्लेस्ड एज सून एज इट रीचेस एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। ये साथ के साथ आप इसको रिप्लेस कर देते हो। अब MT4 की यहां पे क्या वैल्यू आएगी? उसने ये बता दिया कि MT4 अपनी रेगुलर मशीन है, जैसे ही इसको यूज होते रहते हैं हम इसको रिप्लेस करते रहते हैं। तो अगर आप सुपर्ब के लिए यहां पे यूज करोगे ये मशीन, इसमें क्या कॉस्ट ऐड करोगे? 60,000 रीसेल वैल्यू है और 47,000 बाद में रह जाएगी। रिप्लेसमेंट ये है, रीसेल तो देखो यहां पे कंसर्न ही नहीं है क्योंकि इसको आप बेचते तो है ही नहीं, ये अपनी रेगुलर मशीन है, इसको आप यूज करते हैं। तो अगर आज इसको सुबह पे यूज करते हैं तो आज इसकी रिप्लेसमेंट किसी और प्रोडक्ट के लिए 80,000 है, और इसको यूज करके रिप्लेस करते हैं तो 65,000 है। तो मशीन MT4 की क्या वैल्यू आएगी इस पे? नहीं नहीं नहीं, आप सोचो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मींस मेरे पास आज मशीन है, वो पुरानी हो चुकी, मैं उसको दे देता हूं और नई मशीन ले लेता हूं, इसमें आएगी 15,000। आज आप सुपर्ब नहीं बनाते तो ये मशीन रिप्लेस करते हो तो आपको 80,000 रुपए पे नई मशीन आ जाएगी, आप और प्रोडक्ट पे वो यूज कर सकते हो। अगर आप सुपर्ब बनाते हो 1 साल के बाद इस मशीन को रिप्लेस करोगे तो आपको 65,000 हो जाएगा, तो आपकी डिफरेंशियल जो आ गई 15,000। MT4 अब MT7 के बारे में क्या किया हुआ है? MT7 मशीन आर नो लॉन्गर यूज्ड, ये यूज के नहीं है। एंड वन विच वुड बी यूज्ड फॉर सुपर्ब इज द ओनली वन द कंपनी नाउ हैज। इफ द वाज नॉट यूज्ड टू प्रोड्यूस सुपर्ब इट वुड बी सोल्ड इमीडिएटली।
वो कहते हैं अगर अपन इस ये तो हमारे पास एक ही मशीन है, ना ही किसी यूज की है, अगर सुपर नहीं बनाते तो इसको सेल कर देंगे, तो इसमें कितनी आएगी वैल्यू MT7 की? 3000 आएगी ना, क्योंकि आज अगर सेल करते हो तो कितने की है? 11000 की। अच्छा आप ये कह रहे हो कि इसको आज अगर बेचते हो तो 11000 की बिक रही है, अगर यूज करके बेचोगे तो 8000 की बिकेगी। आज इसकी सेल वैल्यू 11000 है, अगर इसको यूज करके बेचोगे तो 8000 की फिर भी बिक जाएगी। यूज करने की वजह से कितना नुकसान हुआ? 3000 ही, तो 8000 थोड़ी हुआ, 3000 नुकसान हुआ ना। MT7 आ गया आपका 11-8000। अब आ जाओ ओवरहेड पे। ए प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ रिकवरी फॉर ओवरहेड इज इन ऑपरेशन। प्री डिटरमाइंड रेट ओवरहेड का आपके पास दिया हुआ है इज इन ऑपरेशन एंड ए फिक्स्ड ओवरहेड आर रिकवर्ड फुली फ्रॉम द रेगुलर प्रोडक्शन एट 350 पर लेबर आवर। जो आपका फिक्स्ड ओवरहेड है वो रेगुलरली आपका रिकवर हो रहा है। Variable overhead cost for Superb as estimate 120 per unit as produced. Variable cost आपकी 120 per unit आएगी। तो ये तो clear है इसमें। इसमें क्या आएगा? Variable cost में 120। Overhead है 50,000 into 120। टोटल कॉस्ट आ गई आपकी 5,83,75। तो 9 लाख है तो आपको 3,16,250 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप सुपर्ब बनाओगे। रिक्वायरमेंट क्या थी? यू रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सच ए कॉस्ट शीट टू सुपर्ब विद ऑल डिटेल ऑफ मटेरियल लेबर ओवरहेड एक्स्ट्रा सुपर्ब एंड कंफिगरेशन चार्जेस। ठीक है, अब आपने एक चीज इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है कि जैसे उसने लिखा हुआ है कि ओवरहेड है जो 3.5 रुपया ले फिक्स्ड कॉस्ट है, वो आपको वर्किंग नोट में देना है कि वो कॉस्ट है फिक्स्ड है, वो डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि दिमाग में सोच लिया और कर लिया गया वो तो रेलेवेंट नहीं, छोड़ो उसको क्या करना है, वो नोट में देना पड़ेगा कि वो रेलेवेंट नहीं है। जो जो जिस इन्होंने चर्चा कर दी इसमें वो रेलेवेंट है या नहीं है वो क्वेश्चन के ऊपर पार्ट नहीं बनेगी, बट नीचे आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी कि भाई मैंने इसको इसलिए छोड़ा है। एग्जामिनेशन है, सोच ले किसने ये देखी नहीं लाइन। चले आगे, ये इंटरेस्टिंग है ना। ये अब आपका मेजर पोर्शन है जो फाइनल का वो इस पे आता है। अभी तो इन्होंने और कुछ, हमारे टाइम पे तो खाली यही था 100 नंबर का, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थी वो 8 नंबर का आता था, बाकी यही घूमता था। अब इस पे डिसीजन लेने हैं आपने, बट ये प्रैक्टिकल है, ये एक्चुअल लाइफ में ये यूज होता है। हमारे को ये एक्चुअल फैक्ट्री में ये यूज होता है कि आपने एक नया, रोज हम यही काम करते हैं कि डिसीजन लें या नहीं, ये बनाएं या ना बनाएं, ये एक्चुअल चीज है। मेरे पास कितनी कैपेसिटी है मैं उसको देख ले, और वो चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती हैं, उसको अपने को बुक्स नहीं निकालनी पड़ती। जब आप प्रैक्टिकली चीज करते हो तो आप एक मिनट में सोच लेते हो यार मशीनरी का खर्चा, मेरे बिजली का बिल तो आ ही रहा है, ये 3 रुपए में बनाने आ रहा है, 1 किलो माल इसमें बना देता हूँ, तो आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ती। वो आप मेंटली इतने वो हो जाते हो तो आप एक मिनट में डिसीजन लेते हो, फिर सोचते हो यार ये अगर ये बनाऊंगा इस पर तो ये भी खर्चा आएगा, तो पहले वो देख के आप एक मिनट में कैलकुलेशन कर लेते हैं। बट ये प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें हैं। फिर है थर्ड सेम।
स्टेशन थर्ड है वो ऊपर ऐसी था कोई आ गया। द ऑफिसर रिक्रिएशन क्लब ऑफ ए लार्ज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैज ए सिनेमा थिएटर फॉर द एक्सक्लूसिव ऑफ देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज। थिएटर है उनके पास। इट इज बिट डिफिकल्ट टू गेट गुड मोशन पिक्चर फॉर शो एंड सो पिक्चर आर बुक्ड एज एंड व्हेन अवेलेबल। मतलब कोई पिक्चर आती है तो उनको पहले ही बुक कर लेनी पड़ती है अगर कोई पॉपुलर पिक्चर आता है। द थिएटर हैज बीन शोइंग द पिक्चर ब्लड बाथ फॉर द लास्ट टू वीक्स। मतलब 2 वीक हो चुके हैं वो एक पिक्चर चला रहे हैं ब्लड बाथ। द पिक्चर विच इज स्ट्रिक्टली फॉर अडल्ट ओनली हैज बीन ग्रेटर हिट एंड द मैनेजर ऑफ द थिएटर इज कन्विंस्ड दैट द अटेंडेंस विल कंटिन्यू टू बी अबव द नॉर्मल फॉर अनदर 2 वीक। मतलब 2 वीक तो उसको हो चुके हैं और मैनेजर को यह लगता है कि 2 और वीक रहेगी इसकी रश रहेगा अबव नॉर्मल। इफ द शो ब्लड बाथ इज एक्सटेंडेड, मतलब वहीं पर आ गया ठीक है। हाउएवर अनदर पॉपुलर मूवी ईगरली लुक्ड फॉरवर्ड टू बाय बोथ अडल्ट एंड चिल्ड्रन अलाइक अपॉन एयरबस इज बुक्ड फॉर द नेक्स्ट 2 वीक। इवन इफ ब्लड बाथ इज एक्सटेंडेड द थिएटर हैज टू पे द रेगुलर रेंटर ऑफ अपू ऑन एयरबस एज वेल। मतलब उसने 2 महीने के लिए और 2 वीक के लिए अपू एयरबस बुक कर ली है। अभी आप इस डिसीजनिंग पे हो कि ब्लड बाथ को तो 2 वीक हो चुके हैं, अब आप उसको एक्सटेंड करो या अपू को लगाओ। और उस पर आपने उसका रेंटल है जो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि वो पहले ही उन्होंने बता दिया कि जो एडवांस में बुकिंग करवानी पड़ेगी। नॉर्मल अटेंडेंस एट द थिएटर इज 2000 पर वीक, पैटर्न्स पर वीक। आपके पर वीक की नॉर्मल अटेंडेंस कितनी है? 2000। अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ होम आर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 12। मतलब उसमें 500 चिल्ड्रन होते हैं और 1500 अडल्ट होते हैं। अटेंडेंस फॉर ब्लड बाथ हैज बीन 50% ग्रेटर देन द नॉर्मल टोटल। मतलब ब्लड बाथ की जो अटेंडेंस है वो नॉर्मल से 50% है, ज्यादा है। द मैनेजर बिलीव दैट दिस वुड टैपर ऑफ ड्यूरिंग ए सेकेंड 2 वीक। मतलब आगे भी वो आपको ये उम्मीद है कि अबव रहेगी कितनी, 25% बिलो दैट ऑफ द फर्स्ट 2 वीक। मतलब जितनी फर्स्ट वीक में रही है उससे 25% तो कम रहेगी थर्ड वीक में। अब आप थर्ड वीक पहला वीक हो गया ना, अब आप थर्ड वीक की बात कर रहे हैं, डिसीजनिंग के लिए वो पहला हो गया, अदरवाइज इस मूवी का वो थर्ड वीक है। एंड 33% बिलो दैट ऑफ द फर्स्ट 2 वीक, मतलब फोर्थ वीक में 33% कम रह जाएगी ड्यूरिंग द 4 वीक। Attendance for Appu on the Airbus would be expected to be normal throughout its run, regardless of the duration. वो बराबर ही चलेगी। अब सबसे पहले तो अपने चलो ये करते हैं। All runs at the theatre are shown at the regular price of 2 for adult and 1/20 for children. ये रेट दे दिया आपको मूवी का, ये रेट है 2 रुपया तो अडल्ट के लिए और 1/20 चिल्ड्रन के लिए। The rental charge for blood bath is 900 फॉर 1 वीक, 15 फॉर 2 वीक। एक का रेंट है मंथ वीक का 900 और 2 का 1500। फॉर ओपन एयर बस 750 फॉर 1 वीक, 1200 फॉर 2 वीक। बट आपने 1200 तो देना ही है, उसने लिख रखा है कि 2 मंथ के लिए अपने वीकली के बुक करती है। ऑल अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट आर फिक्स्ड 4200 पर वीक। बाकी आपके कॉस्ट फिक्स है 4200 रुपया। एक्सपेक्ट फॉर द कॉस्ट ऑफ पोटैटो वेफर एंड केक्स विच एवरेज 60% ऑफ देयर सेलिंग प्राइस। मतलब जो आप चिप्स वगैरह बेचते हो उसका 60% तो कॉस्ट आता है, सेलिंग प्राइस का 60% कॉस्ट है, इट मींस 40% कंट्रीब्यूशन है। सेल ऑफ पोटैटो वेफर एंड केक रेगुलरली एवरेज 120 ऑफ पर एस्पेक्ट ऑफ द एज। मतलब एज से कोई कंसर्न नहीं है, आपके चिप्स कितनी बिकती है, एक बंदा 1 रुपए 20 पैसे की चिप्स खा जाता है उस पे आपको 40% कंट्रीब्यूशन होता है।
The manager can arrange to show blood bath for 1 week and Appu on Airbus for the following week. Or he can extend the show of blood bath for 2 week or as he can show the Appu Airbus for 2 week as manager booked. अब आपने ये बताना है कि वो कौन सी मूवी लगाए, अगले 2 महीनों के लिए ब्लड बाथ लगाए या पहले वीक ब्लड बाथ और एक में अप्पू या दोनों में अप्पू लगाए, उसको आपने कंपैरिजन करना है कि कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट है और कौन सी कॉस्ट इरेलेवेंट। सबसे पहले टू वीक ब्लड बाथ, फिर अपना ऑप्शन आ गया फर्स्ट ब्लड बाथ और सेकंड अप्पू। टू वीक अप्पू। अब आप पहले देखें कि अपने को कितनी अटेंडेंस मिलेगी अडल्ट की, फर्स्ट वीक नॉर्मल अटेंडेंस एट द थिएटर 2000 पर वीक, अप्रोक्सीमेटली 1/4 चिल्ड्रन है उसमें। ये ध्यान में देखो, यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। ब्लड बाथ हैज बीन 50% ग्रेटर देन द नॉर्मल टोटल। अब ब्लड बाथ का नॉर्मल टोटल क्या बना, 1500 का 50 बना या 2000 का 50 बना? 2000 का नॉर्मल टोटल लिखा हुआ है, नॉर्मल बिल्कुल कंसीडर तो डेल्टा को करेंगे, बट उसकी अटेंडेंस हुई है तो इसका मतलब क्या है, अडल्ट ही तो आए हैं ना। उसकी नॉर्मल एवरेज 2000 है, वो कहता है उसकी नॉर्मल टोटल से 50% ज्यादा आए हैं, इट मींस अगर उसमें आए हैं तो अडल्ट ही आए, तो उसकी नॉर्मल अटेंडेंस क्या होगी, 3000 होगी। पहले वीक में उसकी अटेंडेंस क्या रही है, 3000 रही है। अब उसने कहा है कि फर्स्ट वीक में मतलब थर्ड वीक में वो जो पहली रही है उससे 25% कम रह जाएगी, तो फर्स्ट वीक में इसकी क्या अटेंडेंस आ गई, 2000 का 50%, 2000 प्लस 50% इस सारे का माइनस 25%, 3000 का आपने 25% निकाला 750, तो पहले वीक की अटेंडेंस आ गई 2250। और सेकंड वीक कितनी आएगी इसकी अटेंडेंस, उसने कहा कि सेकंड वीक 33% कम रह जाएगी, तो पहले का इसका 3000 था तो 3000 में से 33% लेस रह गया, तो कितना बच गया, 2000। ये 2000 कैसे आया, 2000 प्लस 50% इसका माइनस 33%। क्लियर है यहां पे इन दोनों की अटेंडेंस कैसे रहेगी, आप सिर्फ अडल्ट की बात कर रहे हैं। अब इस मूवी में अडल्ट कितने आएंगे, ये तो सेम ही रहेगा, फर्स्ट वीक ब्लड बाथ का है, ब्लड बाथ की कितनी अटेंडेंस आ गई अडल्ट की, 2250। और सेकंड वीक नहीं, सेकंड वीक में ब्लड बाथ तो आ ही नहीं रहा। अब आप अप्पू की बात करें, नहीं अप्पू पे पहुंचते हैं, नहीं 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 2000 नहीं, ये देखो अब अपने फर्स्ट वीक का ब्लड बाथ का कर लिया, वो अपने 2250 लगा दिया, ठीक है अब वीक वाइज चलेंगे। अटेंडेंस फॉर अप्पू ऑन द एयरबस वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी नॉर्मल थ्रू इट्स रन रिगार्डलेस ऑफ द ड्यूरेशन। ये क्या हो गया, कि मैंने 1500 क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं नहीं ठीक है यार,
आप अडल्ट की अटेंडेंस निकाल रहे हैं फिर चिल्ड्रन की अलग निकालेंगे, मेरे को भी कंफ्यूज आने करने लगा क्योंकि वो तो अलग ही निकलेगी ना, वो तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ये रेट तो सेम ही है, हाँ रेट भी अलग अलग, सॉरी यस रेट भी अलग अलग। अब आप अडल्ट की फर्स्ट वीक की अटेंडेंस निकाल रहे हैं, दोबारा से करते हैं कंफ्यूजन हो गया। अडल्ट का फर्स्ट वीक का अटेंडेंस, अडल्ट का फर्स्ट वीक का अटेंडेंस 2250 क्लियर और सेकेंड वीक में 2000 क्लियर आ गया, ठीक है। कैसे? अब ये फर्स्ट वीक में इसका आएगा और फर्स्ट वीक में अप्पू का कितना आ जाएगा अडल्ट 1500, वो सिर्फ नॉर्मल पे जा रहा है तो नॉर्मल 1500 ये आ जाएगा। और सेकंड वीक में वो ये इन्होंने सेम ही बताया है, अप्पू सेम ही चलेगी, फर्स्ट वीक और सेकंड वीक यही रहेगी, तो इसका 1500 और 1500। तो आपके टोटल अडल्ट कितने आ गए, इसमें अडल्ट आ गए टोटल 4250, 3750 और 310। अब आप चिल्ड्रन लगाते हैं यहाँ पे, चिल्ड्रन की क्या है, यहाँ पे तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे फर्स्ट वीक में वो आ रही है नहीं आएगा, सेकंड वीक में 500, इस दोनों में 500 और 500। चिल्ड्रन हो गए आपके 1500 और चिल्ड्रन। अब आप देखें अपने को सेल कितनी होगी टिकट की, यहाँ पे तो 4250 है, अडल्ट का रेट क्या है 2 रुपए, तो ये आ गया 4250 × 2, 8500 आ गया। यहाँ पे 3750 × 2 और 500 × 1.2, चिल्ड्रन का रेट 1.2 है, इस पे 3000 × 2 और 1000 × 1.2, ये कैलकुलेशन करके आपका आ जाएगा 8500, 8100 और 7200। अब आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी वेफर्स की, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है ना, आप सॉरी रेवेन्यू कर रहे हैं ना, पहले रेवेन्यू देख रहे हैं, रेवेन्यू कितना आएगा, 1 रुपए 20 पैसे का आपका वो चिप्स बेचता है, चाहे चिल्ड्रन हो चाहे कुछ हो, सीधा टोटल लग गया नहीं, रेवेन्यू तो टोटल आप रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो 1 रुपया 20 पैसे आएगा। तो ये आ गया अपना 4250 × 120 और ये कितना आएगा 3750, ये है 500 ये है, ये भी टोटल कितना हो गया 4250 × 1.20 और ये हो गया 3000 ये है और 1000 ये है, 4000 × 120, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आगे तक आ जाते हैं, समझ आप नहीं कर रहे हो, आप कर लेंगे है ना, टोटल रेवेन्यू अपना आ जाएगा फर्स्ट केस में, टोटल आ जाएगा 13600 टिकट और पटाटो का मिला के, ठीक है। आगे आ गया 13200 और इसमें आ गया 12000, एक बार देख लो कैसे आया 12000, ये आया ना देखो, अपने टिकट सेल पे किया था 72000 और 4000 का 1 पॉइंट कितना होगा 4000 × 40 और 7200, 12000 आ गया वो आ गया, ठीक है। फिर अब आप बात करते हैं आगे एक्सपेंसेस कितना होगा अपना, रेवेन्यू तो दो ही थे, टिकट सेल का आ गया और वो आ गया, अब एक्सपेंसेस क्या हो रहा अपना, एक तो रेंटल है मूवी पे और एक वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है आपकी पोटैटो की, अब पोटैटो की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, वो तो सेम आ जाएगी 72 पैसे है ना, 120 का 72 पैसे है, तो यहाँ पे 4250 थे × 0.72, यहाँ पे भी 4250 टिकट थी × 0.72 और यहाँ पे 4000 थी × 0.72, ये आ गया 2880, 3060 और 3060 रेंटल, रेंटल यहां पे कितना आएगा, ब्लड बाथ का रेंट कितना है,
bloodbath is 900 for 1 week and 1500 for 2 week. और उसका है एप्पू का 750-1200, तो पहले इसमें कितना आएगा रेंटल? 1500. नहीं, अपन दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे. यहाँ पे रेंटल कितना आएगा? 1500 तो ब्लड बाथ का आएगा. तो यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा? यहाँ पे नहीं आएगा. अगर तीनों में भी डाल दिया तो सारा सम गलत है. अगर तीनों में वो डाल दिया ना तो सारा सम गलत है. वी आर टॉकिंग अबाउट रेलेवेंट पोस्ट, दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग. आपका आंसर सेम आएगा बट वो क्वेश्चन गलत है. क्यों? अप्पू पे जो रेंट दे दिया वो तो दे दिया, वो आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए. यहाँ पे वो नीचे नोट में आएगा कि अप्पू का जो रेंटेड है वो तो इरेलेवेंट है, बिकॉज वो तो हमें देना ही पड़ेगा. इस केस में आपका 1500 आपको देना पड़ेगा. इस केस में अगर आप दो हफ्तों के लिए अलग अलग मूवी जाते हो तो यहाँ पे कितना आएगा? 900 ही आएगा. यहाँ पे जीरो, ये आपका टोटल रेंटल. अगर यहाँ पे अप्पू का आपने रेंटल दिखा दिया तो सारा सम गलत है. आंसर सेम है बट सम सारा गलत आएगा. आंसर सेम का मतलब डिसीजन तो वही आएगी, 4560 और 2880. ये आपका प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 9040, 9240 और 912. नोट में क्या कुछ आएगा? नोट में एक तो आएगा कि अप्पू का रेंट फिक्स्ड है, वो नहीं आएगा. और ये जो 4200 इसने एक और दे रखा है, ये वाला फिक्स्ड कॉस्ट 4200, ये भी आपकी इरेलेवेंट कॉस्ट है. ये भी आपके प्रेजेंटेशन में डिसीजन मेकिंग में नहीं आएगा. इसके साथ ये जरूर देखना है, ऐसा नहीं कि अपन सोचे कि वो तो तीनों में आएगा, तीनों में लगा दिया, सारा सम खत्म है उसके बाद, क्योंकि अपन रेलेवेंट कॉस्टिंग पे डिसीजन लेते हैं. बहुत है या करें एक सम? ये काफी लंबा है, मैं कल देख रहा था, इसके 40-50 क्वेश्चन है, बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है. और ये आपने अगर घर पे भी क्वेश्चन करोगे तो बुक मत देखना. अगर आपने बुक देख के एक बार क्वेश्चन कर लिया ना तो आप गलती करोगे. गलती का मतलब आप अपनी एग्जम्पशन बना लोगे कि अरे ऐसे आती है. दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ. जब आपने किया और वहां पे आपने गलत पाया, गलत ही पाओगे शुरू में, तो फिर आप उस पर दिमाग लगाओ कि यार ये ऐसे कैसे हो गया. अगर सीधा देख के सम करोगे तो गलत करोगे, मतलब ठीक हो जाएगा. Okay.